आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दोस्तों देखो आज मैं कमाल का मशीन लेकर के आया हूँ, स्टार क्यू का जो है ना टायर इन्फ्लेटर, मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन कैसा काम करता है। और मैं देखो बैकग्राउंड का लोकेशन देखा कितना खूबसूरत है, देखो तो आपको आज आपको बैकग्राउंड का जो खूबसूरत लोकेशन है उसका भी मज़े लो। और मैं आपको साथ में आपको दिखाता हूँ कि इस कार का जो हवा है इसको पूरा फूल इसको खाली करने वाले, और साथ में बाद में इस मशीन से देखेंगे ये मशीन कैसा काम करता है, इसमें हवा भरता है कि नहीं, वो हम आज इसको चेक करने वाले हैं। चलो दोस्तों तो फिर ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, फटाक से मैं बॉक्स को खोल देता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर कैसा है। और आपको पता मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ये देखो मैंने ऊपर का फाइनल कवर निकाल दिया भाई, बॉक्स का लुक देखो जरा दोस्तों। ये देखो स्टार क्यू वाले ने बॉक्स जो पैक किया ना बहुत ही खूबसूरत, देखो कमाल का है। और इसके साथ साथ क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ एक्सेसरीज दोस्तों। चलो अभी देखते हैं कि अंदर कैसा क्या क्या इन्होंने एक्सेसरीज दिया हुआ है, सामान अंदर क्या क्या दिया है, अब हम वो चेक करेंगे। ये देखो ये है नॉर्मली मशीन टायर इन्फ्लेटर, और ये सीधा जाएगा आपके टायर में, देखो यहाँ पर आपको सीधा चक्कर में जाएगा ये हवा डालने के लिए। ये देखो ये जो चार्जिंग पोर्ट है वहाँ पर ये वाला पॉइंट चला जाएगा, बाकी हम यहाँ पर सीधा ये मशीन को चालू करेंगे, बाद में यहाँ से चेक करेंगे। और यहाँ पर कई सारा चीज़ें दिया है, देखो यहाँ पर आपको कितना PSI चाहिए क्या चाहिए वो सब चीज़ यहाँ पर आपको सेट करने को मिलेगा, उस चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो ना ये LED लाइट जलाने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ यानी ठीक है। और ये जो पावर केबल मैं अभी देखता हूँ ये कितना लंबा दिया है, क्या कार के कोई भी साइड का अगर टायर अगर पंचर हो गया है तो हवा कम हो गया तो हर तरफ ये वायर ना ये पहुँचना चाहिए, नहीं तो पता भाई तार छोटा दे दे भाई ये कैसे पहुँचेगा, वो दिक्कत हो जाएंगे है ना। तो नॉर्मली हाँ ये पहुँच जाएगा इतना है ना, ये कार के चारों चक्के में ये चीज़ें ना ये जो वायर है ये पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये देखो ये कुछ अलग अलग तरह का नोजल दिया हुआ अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको फुटबॉल अगर आपको हवा डालना है फुटबॉल में तो इसके अलग नोजल, ये देखो ये बारीक सा लंबा सा दिया हुआ ये वाला, और फिर आपको साइकिल के लिए अलग, तो इस तरह का वैरायटी अलग अलग का नोजल इसमें दिया हुआ है, तो आप हर चीज़ में इसको आप इसमें से आप हवा ऐसा डाल सकते हो। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको चार्जर पॉइंट में लगाएंगे और फिर इसको पावर देंगे और फिर यहाँ से बाद में हवा निकलेगा, तो हम देखते हैं इसको प्रोसेस कैसा करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो अभी मैंने कार को चालू कर दिया, उसके बाद हम ये जो पॉइंट है ये चार्जर पॉइंट है यहाँ पर हम लगा देंगे। और ये देखो ये मशीन हमने यहाँ पर रख दिया, और अब क्या करेंगे कार का जो हवा है ना टायर का ये पूरा निकल देंगे, पूरा हवा निकल देंगे, बाद में हम नया से इसको हवा भरेंगे। चलो एक काम करते पहले देख लेते हैं इसमें हवा कितना है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये देखो R लिखा ना यहाँ पर, देखो वहाँ पर KG कुछ लिखा है, और बाद में ये PSI है, अलग अलग मोड है आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो बटन से चेंज करोगे तो ये बार है, ये KPA है, उन लोग प्रेशर का मेजरमेंट का अलग अलग है, तो अपने को ये PSI में रख के चेक करना है। तो मैं अभी सबसे पहले मैं देखता हूँ एक्चुअली इस कार में है ना हवा कितना है वो देखेंगे, और देखेंगे इसमें अभी सेट कितना किया गया है 35, ठीक है इसमें नॉर्मली 35 सेट है, पर देखेंगे इसमें कार में अभी हवा कितना है हम वो चेक करेंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ये देखो ये लग गया, बाद में इसको टाइट कर देंगे, ये देखो ये फिक्स हो गया। अब देखेंगे इसमें हवा कितना है, ये देखो ये 30 हवा दिख रहा है, तो कुल मिला के हम 30-32 ऐसा दिख रहा है ना, तो हम वापस जब इसका जो हवा अभी निकाल देंगे और उसके बाद जब हम वापस इसमें हवा भरेंगे तो वापस 32 ही भर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कार का हवा निकाल देंगे। चलो पूरा बैठ गया, ये देखो बिल्कुल चिपक गया रोड के साथ। तो जो 32 जो है ना PSI वो हम सेट करेंगे, क्योंकि टायर में ऑलरेडी पहले से 32 ही था, तो यहाँ पर कितना अभी 35 है, तो इसको हम कम करेंगे 32, चलो ठीक है ये 32 हो गया। अब हम इसको लगा देंगे यहाँ पर, अब बाद में मशीन चालू कर देंगे, ये देखो ये लग गया, ये बाद में मशीन चालू कर देंगे। तो दोस्तों आपको तो पता है देखो इसमें एक LED लाइट भी दिया हुआ है, अगर कभी आपको रात में अगर कुछ ऐसा दिक्कत आ जाता है आपके कार में तो आप इससे टॉर्च के जैसा भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये देखो। और बाद में हम क्या करें, यहाँ पर हमने सेट कर दिया था है ना, कितना में सेट किया, हमने 32 में सेट किया था, देखो यहाँ पर दिखेंगे, ये देखो ये 32, ओके ठीक है ये। अब देखो बाद में हवा भरेंगे देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, ये देखो ओके। अभी और टाइम भी देख लेता हूँ मैं, ये टाइम कितना हो गया, देखो ये 4:15 हो गया, ये 32 देखेंगे अभी ऑटोमेटिक, हाँ ये देखो ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, देखो बराबर परफेक्ट ऑटोमेटिक बंद हो गया, वाह। तो दोस्तों बिल्कुल 4 मिनट के अंदर जो है बिल्कुल वो टायर को हवा देके हो गया कंप्लीट, ये देखो बहुत ही फास्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों आपको अगर मशीन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के मशीन खरीद सकते हो, स्टार क्यू का मशीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।